मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आप सभी ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है, तो यहां पर दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने डिलीटेड फोटो, वीडियो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को किस तरीके से आप अपने फोन की मदद से काफी आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के शो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने डिलीटेड फोटो वीडियो को किस तरीके से काफी आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी जो फेवरेट फोटो है या फिर वीडियो है वो आपसे गलती से डिलीट लग जाती होगी, ठीक है, या फिर दोस्तों आपके छोटे बच्चे हैं या फिर आपके दोस्त हैं उनसे आपके फोन में गलती से कोई चीज डिलीट लग जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप परेशान हो जाते हो कि वो चीज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो थी या फिर वीडियो थी, और ऐसे में दोस्तों बाद में आप पछताते हो कि कैसे भी उस चीज को मैं रिकवर कर पाऊं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से काफी आसानी से आप अपने पुराने से पुराने वीडियो या फोटो को काफी आसानी से अपने फोन की मदद से रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों यहां पर आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखेंगे तो यहां पर आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, किस तरीके से आप अपनी फोटो वीडियो को काफी आसानी से यहां पर रिकवर कर पाए। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, तभी दोस्तों यहां पर आपको समझ में आएगी, ठीक है। वैसे दोस्तों आप YouTube पे जाएंगे तो आपको ढेरों सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिनमें दोस्तों दावा किया जाता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो कर लो, इससे आपकी फोटो रिकवर हो जाएगी, उससे आपकी वीडियो रिकवर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ वीडियो काम करती है और कुछ वीडियो बिल्कुल भी काम नहीं करती, और ज्यादातर दोस्तों वीडियो में आपको कंप्यूटर से फोटो वगैरह रिकवर करना सिखाया जाता होगा, जहां पर दोस्तों कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से फोटो या फिर वीडियो को रिकवर करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम एंड्रॉइड फोन से किस तरीके से रिकवर कर पाए, तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम एप्लीकेशन है जिनकी मदद से दोस्तों आप अपने पुराने से पुराने फोटो या फिर वीडियो को रिकवर कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, इन्हीं सभी के बारे में शुरू हम जानने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये रही वो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना हो तो इसका लिंक मैंने छोड़ दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो यहां पर मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया वीडियो के टाइटल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे काफी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे सर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो यहां पर आपको सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर इसे नो कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो भी पूछे यहां पर आप इसे नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप अपने फोन में इमेज को रिकवर करना चाहते हैं तो यहां पर आपको इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐड आ जाते हैं, तो आप उसे बैक कर दीजिएगा और यहां पर दोस्तों आपको स्कैन टू रिकवर इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों इसके कंप्लीट होने तक हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और हमारे सामने यहां पर ढेरों सारे फोल्डर बने हुए आ चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको एक एक फोल्डर पर क्लिक करके यहां पर देखना है कि किस फोल्डर में दोस्तों आपकी कौन सी फोटो यहां पर आपको मिल गई है। तो दोस्तों आपको जो फोटो मिल जाएगी उसे आप काफी आसानी से यहां पर रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक करके रिकवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो रिकवर करना हो तो यहां पर आप वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा।